ऐसा मुल्क जहाँ पर किसी के लिए किसी को इसी लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए टाइम निकाल के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको जिस जो हेल्प पाकिस्तान करती है और उसका नाम भी हेल्प पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज हम उनसे मिलेंगे। इरफान, ये जो प्रोजेक्ट है हेल्प पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बताएं। अल रहमान वेलफेयर ट्रस्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, इज़ द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक प्रोजेक्ट है हेल्प पाकिस्तान। नाम से जैसे वाजे है, हेल्प पाकिस्तान में हम हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी मदद करते हैं। तीन हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसके अंदर राशन है, मंथली राशन या प्रोडक्ट्स कह लें आप उसको। दूसरा हमारा है एजुकेशन, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग आती है। और तीसरा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो है स्मॉल बिजनेसेस, छोटे कारोबार, रिक्शे से लेके पुश कार्ट से लेके किसी को छोटी सी दुकान खोल के देना, यू नो, छोटे इलाकों के अंदर जो होती हैं, या ऐसा पुश कार्ट जिसके ऊपर आप फ्रूट लगा दें, कोई सब्जी का ठेला लगा दिया आपने, आपने फ्रूट का ठेला लगा दिया, इस किस्म के कारोबार, या किसी को आपने सिलाई मशीन ले दी, कोई मोबाइल का ट्रेनिंग कोर्स करा दिया, इस तरह की छोटी छोटी जो कारोबार होते हैं, छोटी छोटी जो स्किल ट्रेनिंग है, तो वो ये करते हैं। एधी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो चीपा भी है, और तो और भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। तो मतलब आपको, आपने जो हेल्प और हेल्प पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन खोली है या ये ट्रस्ट है, तो इसमें अलग क्या है? यहाँ पे जैसे ईदी है, ईदी का मेन फोकस डिफरेंट है। ईदी का एम्बुलेंस में ज़्यादा फोकस है, उनका जो मर्दा खाने हैं उनका फोकस उस पर ज़्यादा है। राशन पे हमारा जो जो जो, जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, दैट इज़ राशन। हम फूड राशन देते हैं फॉर फॉर अ ईयर कमिटमेंट, कि हम जैसे एक फैमिली आइडेंटिफाई हो गई, हमने देखा कि हाँ भाई ये ज़रूरतमंद हैं और ये नीडी हैं, तो हम उनको एक साल की कमिटमेंट कर देंगे कि भाई हम उनको राशन देंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है। हर मंथली बेसिस पर उनको राशन मिलेगा, जितने भी उनके नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं उनके हिसाब से। उसके बाद वी वर्क विद द फैमिली, हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम उनको उनके पैरों पर खड़ा करें। अब एक फैमिली में हम देखते हैं कि भाई ये ख़ानदान है, उसमें तीन बच्चियाँ हैं, तीन बच्चे हैं, बच्चियों की उम्र जो है ना वो अगर 15 साल 16 साल से ऊपर है, तो हम देखते हैं कि भाई हम इनको कोई ऐसा सिलाई कढ़ाई का कोर्स करा दें, या इनको किसी ऐसी चीज़ के लिए तैयार कर दें कि ये अपना ब्रेड एंड बटर वो ख़ुद अर्न कर सकें। या अगर लड़के हैं, बच्चे हैं, अब उनको प्राइमरी तालीम की ज़रूरत है या सेकेंडरी तालीम की ज़रूरत है, या अगर वो बड़े हैं तो उनको कोई ऐसा हुनर सिखा दें जिस हुनर के अंदर, वो ड्राइवरी भी हो सकती है, वो किसी टेक्सटाइल की मशीनरी का कोर्स भी हो सकता है, वो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको जो हम उनको सिखा दें, और फिर वो क्या कहते हैं अपने घर को और अपने ख़ानदान को जो उनकी बेसिक नीड है उसको पूरी कर सकें। तो ये दिस इज़ व्हाट वी डू एंड दिस इज़ व्हाट वी स्पेशलाइज्ड इन। हमारा काम होता है कि भाई एक फैमिली को आइडेंटिफाई किया, उसको राशन स्टार्ट कर दिया, कि एट लीस्ट उनकी जो भूख का मसला है, उनकी जो खुराक का मसला है वो सॉल्व हो गया। अब उनको ये पता है कि तीन वक्त उनको सुबह दोपहर शाम बेसिक जो फूड नेसेसिटी है, जिसमें आपकी आटा दाल चावल है, वो उनको मैसर है, भूखे नहीं सोएंगे, ठीक है। ये पहला मसला जो मेन मसला है ना वो सॉल्व हो गया। दूसरा हाइजीन का मसला है कि उनको साबुन मिल जाती है, उनको जो बेसिक हाइजीन की ज़रूरियात होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो उनको ये भी मसला, जो उनकी मेडिकल के हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं उसमें एटलीस्ट हाइजीन उनकी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद फिर जब वो 2-3 महीने तक राशन लेना शुरू कर देते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। उस कॉन्फिडेंस के बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए, एंड दिस इज़ व्हाट वी गिव बैक टू द सोसाइटी। ये हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो लोग जिनको, जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ये बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, और इनको हमारे बहन भाई हैं, ये हमारे वो बहन भाई हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक की ज़रूरत होती है। बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि आप सुनेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे। एक फैमिली का मैं आपको बताऊँ, दे जॉइंड अस, दे केम फ्राम, दे माइग्रेटेड फ्राम हैदराबाद, कराची आए बड़े बुरे हाल में, तीन बच्चे, कुछ भी नहीं खाने पीने को, 2000 रुपये के रेंट के जो है ना वो एक कमरे के अंदर रह रहे थे, बुरा हाल। वो थे खुददार लोग, अच्छी फैमिली थी, उन्होंने हेल्प मांगी, वी स्टार्टेड गिविंग देम राशन एंड फूड ग्रॉसरी,
एक साल के अंदर जैसे कि इन्होंने आपसे हेल्प मांगी, आपने कहा कि आप एक फैमिली आई थी, तो मतलब कैसे पता चलता है आपके बारे में, इन लोगों तक कैसे पहुंचेगा? जैसे कि हम लोग तो जैसे इंटरनेट में देख लेते हैं, लेकिन इन लोग तक कैसे बात पहुंचेगी? मैं उधर आता हूं। उन्होंने उनको हमें पता चला कि इस तरह की फैमिली है, वी अप्रोच देम, वी स्टार्ट गिविंग राशन टू देम। फिर वो जो बंदा था ना, वो बंदा कोऑर्डिनेटेड कार्टन जो है ना, इसका काम बड़ा अच्छा जानता था। फिर वो उसकी राइट जगह पे जॉब प्लेसमेंट हुई, ही स्टार्टेड हिज ओन स्मॉल बिजनेस, एक बहुत ही छोटे लेवल पे 5,000-6,000 से काम स्टार्ट किया। आज माशाल्लाह एक साल बाद ही केम टू अस, वो खुद वॉलंटियरली आया और कहते हैं कि जी आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आप मेरा राशन बंद कर दें और ये मेरी जगह किसी ऐसी फैमिली को दे दें जो कि ज़्यादा डिज़र्विंग हो और जिसकी ज़रूरत ज़्यादा हो, अब मैं खुद कर सकता हूँ। और वो दैट वाज द मोमेंट ऑफ जॉय फॉर अस, हम बहुत खुश थे, हम मतलब वी वर सो हैप्पी एंड वी वर रिलीज एंड कि यार मतलब दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव। आपने सवाल किया कि जी हम ऐसी फैमिलीज तलाश कहाँ से करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल उन लोग कठिन भी कैसे पता चलता है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द इसकी दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच ये है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, वो मस्जिद के बाहर भी आके खड़े होते हैं, वो आपको सिग्नल्स में भी मिलते हैं। इसमें कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ नीडी भी होते हैं, हकीकत होते हैं। हमारे पास एक पूरा मैकेनिज्म है वेरिफिकेशन का, हमारे पास अपने एम्प्लॉइज़ हैं, डेडिकेटेड टीम है, वो करती ये है कि जी नवीद मेरे पास आया, नवीद ने कहा कि भाई इरफान भाई ये एक फैमिली है, ये बड़े ज़रूरतमंद हैं तो इनकी मदद करनी है, ठीक है? हमने बोला ठीक है जी नवीद साहब, आपने रेफ़र किया सर आँखों पर, अब आप इनके जो है ना रबते हमें दे दें। आपने उनका टेलीफोन नंबर दे दिया, एड्रेस हमें दे दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो एक प्लान ऑफ एक्शन होगा ना, वो ये होगा कि हम उनके उनको फ़ोन करेंगे, उनके घर पर विजिट करेंगे। अच्छा हमें बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग सिंस 2008, तो कराची के जितने मेजॉरिटी स्लम्स हैं उन सब में एक्सेस है, पता है कि भाई क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी एग्जिस्टिंग फैमिलीज भी हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो हम जाते हैं उनके घर, विज़िट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं, दो विज़िट्स करते हैं, अशोर करते हैं कि भाई जो नवीद को इन्होंने बताया है वो हकीकतन ऐसी है कि नहीं है। और अगर उनकी ज़रूरत जायज़ होती है तो हम उनको इमीडिएटली अपनी वेबसाइट helppakistan.org के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। एंड देन वी हैव पूल ऑफ डोनर्स, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फंड हमें दे देते हैं कि भाई आप अपनी इमरजेंसी यूटिलाइज़ करें। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली आके उनको देखते हैं, उनका केस स्टडी देखते हैं, उनकी फैमिली देखते हैं, कितने नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर उनकी जो इमीडिएट ज़रूरत है, इट कुड बी राशन, इट कुड बी ए स्मॉल बिजनेस, इट कुड बी एन एजुकेशन, तो ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं हमारी, उन तीन में से कोई भी एक चीज़ देखते हैं और फिर वो उनको डोनेट कर देते हैं। इरफान भाई आपने ये बताया कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने मतलब कराची में जो कि बहुत बिजी शहर है पाकिस्तान में बल्कि पूरा, इतनी मुश्किल से लोग अपना देख रहे होते हैं, तो आपने मतलब कैसे सोचा कि भाई मैं अब ये दूसरों की हेल्प करता हूँ और जो है ना खामा खा अपने ऊपर एक टेंशन डाल देता हूँ, और मतलब एक तरह से हेडेक है, मतलब आप कैसे टाइम निकालते हैं इस सब चीज़ों के, मतलब आपका खुद का कोई काम भी है या नहीं है? अच्छा चलिए जनाब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब सब लोग सोचते हैं कि वो हेल्प करें, मगर किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास दोनों चीज़ें नहीं होती, लेकिन उसको पता होता है कि मैं ये बंदा है नीड में, लेकिन होता है अक्सर ये कि यार कोई पैसे मांगने आता है तो आप उसको दे के बस जान छुड़ाते हो, या बोले अब देखने कौन जाएगा। बड़ी फ़नी सी बात है, मतलब बड़ी फ़नी सी बात है, मैं आपको बताऊँ। आज से 10 साल पहले जब मैंने कारोबार स्टार्ट किया था 2004 के अंदर, आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ माई प्रोफेशनल करियर, इनफैक्ट इन 99 आई स्टार्टेड माई IT कंपनी। उसके बाद 2000 अल-रहमान टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हाउस है और हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। इट्स अ फुल सर्विस डिजिटल एजेंसी, तो दैट्स माय प्राइम ब्रेड एंड बटर, जिससे मैं अपनी और फैमिली के मामला चलाता हूँ। अच्छा मतलब आप कुछ काम करते हैं जनाब, मतलब काम करने के साथ कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जो स्टार्ट हुआ, अगर आप इफ़ यू गो बैक टू 2008 में बड़ा मसला था, वीट क्राइसिस था और यहाँ पे लोग जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जो है ना वो लाइनें लगा के खड़े होते थे 5 किलो चीनी लेने के लिए।
आई रिमेंबर उन दिनों में बड़े हादसात भी हुए थे और सुबह फजर के बाद लाइनें लगाते थे तो 11 बजे 12 बजे मेरे ख्याल से कोई अर्थक्वेक आया था शायद नहीं अर्थक्वेक के बाद की बात है अर्थक्वेक 2005 में आया था ये 2008 की बात है जब वीट क्राइसिस हुआ था बड़े मसले मसाइल थे तो उसमें शुगर भी अवेलेबल नहीं थी वीट भी अवेलेबल नहीं थी तो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी डिसाइडेड मैं और मेरे साथ जो मेरा ग्रुप है हम 6 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं इसमें वी डिसाइडेड के वी नीड टू डू समथिंग फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और उसी वक्त हमने फिर डिसाइड किया था कि हम एक फाउंडेशन बनाते हैं अच्छा आपकी वेबसाइट पे एक टूल है मैंने देखा था वो डोनर ट्रैकर उसमें बेसिकली उसके बारे में बताएं कि वो क्या है मतलब उसमें मैंने देखा था कि डोनर्स भी हैं तो दिख रहे हैं कि कितनी हाँ डोनर ट्रैकर करके क्या करेंगे इट्स अ डोनेशन ट्रैकर जिसपे डोनर को ये फैसिलिटी है कि हर महीने उसको ये पता चलता है कि राशन कब डिलीवर हुआ एजुकेशन की फ़ीस पे हो गई कि नहीं हो गई जो दूसरे अगर उनके साथ कारोबार में मदद हो रही है तो वो क्या हो रही है तो उसका एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है हम जब भी डिलीवरेंस करते हैं उस डिलीवरेंस के फ़ौरन इमीडिएटली बाद हम डोनर को अपडेट कर देते हैं तो डोनर को एक ईमेल भी जाती है उस ईमेल पे उसकी समरी आती है कि भाई आपने ये 20 आइटम थे राशन के इतनी क्वांटिटीज़ थी इसके ये करंट प्राइस हैं जो भी होलसेल प्राइस होते हैं तो ये आपका टोटल आपने फॉर एग्जांपल जो है ना वो 10,000 डोनेशन दिया था आपका अब 2,000 कट गया 8,000 बाकी रह गया तो उसको पूरा एक कंप्लीट स्टैटिस्टिक अवेलेबल होते हैं अच्छा इसके अलावा इंटरेस्टिंग ये है कि उसको जिस भी फैमिली को डोनेट कर रहा होता है उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं उसका एड्रेस उसका कॉन्टैक्ट नंबर और बहुत सारे हमारे डोनर्स ऐसे हैं जो कि महीने की बेसिस पे या अल्टरनेट महीने या क्वार्टरली बेसिस पे हमारा जो डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पे आते हैं उन फैमिली से ख़ुद मिलते हैं उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उनसे बात करते हैं उनसे देखते हैं कि भाई आपकी दूसरी मसले मसाइल क्या हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इट्स बेसिकली इट्स अ 1-to-1 रिलेशनशिप हमारा काम है कि हम डोनर को और ज़रूरतमंद को इन दोनों को आपस में मिला दें और फिर उनको ट्रैक करके बताते रहें कि हाँ भाई तुमने जो मदद की वो कहाँ तक पहुँच गई अच्छा इसके अंदर मैंने वो भी देखा था कि एक आपने फ्लैग लगाया हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि मोस्ट डिजर्विंग और ये मतलब इसका क्या स्केल है आपके पास यार इसका स्केल ऐसे है नवीद के बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है उनके पास बहुत टाइम नहीं होता या हमारा स्केल है जिसमें हम देखते हैं कि हाँ भाई ये फैमिली ऐसी है जो कि नीडी है लेकिन लेट्स से कि भाई वो 3 वक्त में से 2 वक्त का उनको खाना मैसर है अब उनको दूसरी चीज़ें देखनी है या उनको 1 वक्त का खाना मैसर है और कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनको लिटरली जो मोहल्ले का रोटन खाना बचा हुआ होता है या जो कचरे में से उठा के खा रहे होते हैं या जो बिल्कुल ही बुरे हाल के अंदर होते हैं उनकी हेल्थ वाइज उनकी दूसरी चीज़ें तो वी काउंट देम एज अ मोस्ट डिजर्विंग फैमिलीज वो हम उनको फ्लैग लगाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये मोस्ट डिजर्विंग केस है इनमें हमारी रिकमेंडेशन के मुताबिक तो इनको आप ज़्यादा बट स्टिल देर इज़ नो प्रेशर तो अब मतलब आप बताएं जैसे आपने तो कोशिश करके टाइम निकाला तो अभी मतलब जैसे जो दूसरे लोग हैं जो मतलब पाकिस्तान में हैं और काफ़ी जगह पे जो कि हेल्प करना चाहते हैं या नहीं भी कर रहे तो उनके लिए आप मतलब कोई इंस्पिरेशन बताएं कि किस तरह वो स्टार्ट करें करना हेल्प या नहीं कर रहे तो क्या नुकसान है देखें मतलब किस तरह स्टार्ट करें वो स्टार्ट करने का तो बहुत आसान तरीका है कि पहले सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द देखें हर बंदे के जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोगों के इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ होती है ये अपॉर्चुनिटी है अगर आपको कोई किसी ज़रूरतमंद की आपको ज़रूरत पूरी कर दें तो अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी है वो कोई भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो चाहे वो यहूदी हो चाहे वो हिंदू हो लेकिन वो यकीनन अल्लाह का बंदा है और वो हमारे बहन भाइयों की हैसियत रखता है तो सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द देखें आपको यकीनन ऐसे लोग मिलेंगे जो कि शायद आपकी बहुत छोटी सी मेहनत से आपके वर्ड ऑफ माउथ से सिर्फ कुछ ना करें आप हमें बता दें अगर कराची में वो है आप हमें बता दें और आप समझते हैं कि भाई वो नीडी है तो हम अब बाकी मामलात कर लेंगे उसके बाद आप उसका ट्रैक करते रहें तो मतलब जो मुझे जो मेन अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि वेरिफिकेशन जो क्राइटेरिया है ना आपका वो ज़्यादा अच्छा है कि अगर जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो जानबूझ कैसे कर रहा है या वाकई इसको हेल्प की ज़रूरत है तो ये मेन चीज़ जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन देखिए ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को रन करने के लिए
हमारा फोकस शुरू से यही रहा है कि हम अपने प्रोसेस को एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट रखेंगे. फैमिली वेरिफिकेशन के बगैर हम ये नहीं जान सकते कि उनकी ज़रूरत हकीकतन है कि नहीं है. अब जैसे मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ 130 फैमिलीज या 25 फैमिलीज जो है ना वो जेन्युइन केस होती हैं, बाकी 75 जो है ना वो फेकिंग ज़्यादा होती है. तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फ़िल्टर आउट करना और फिर उनको हेल्प पहुँचाना, यही असल मकसद है और यही सबसे मुश्किल काम है. दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ रनिंग दिस एंटायर अल रहमान वेलफेयर ट्रस्ट फाउंडेशन. तो ये अभी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान के दूसरे पार्ट्स में भी है या सिर्फ कराची में? नहीं, टू बी ऑनेस्ट अभी हम सिर्फ कराची को कवर कर रहे हैं. हाँ, हमने स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे जब सैलाब आया तो उनमें हम राशन की मदद और मेडिकल की मदद और खाने की मदद हमने बिल्कुल की थी. जब अर्थक्वेक आया था तो उसमें भी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए थे उन दौरान. तो ऐसे अगर कोई डिज़ास्टर्स आते हैं या कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि नेशनल लेवल पर होती है तो उस पर हम बिल्कुल एक्सटेंड करते हैं. अदरवाइज़ हमारी रीच कराची 2 करोड़ लोगों की आबादी है, तो ये भी बहुत बड़ा जो है ना वो एरिया है जिसको हम अगर कवर कर लें तो बड़ी बात है. चलें, अब इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे, कराची कवर हो जाएगा तो उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे. बिल्कुल ऐसा है कि वी विल गो ऑन नेशनल लेवल, लेकिन अभी तो सबसे पहले अपने घर को ठीक करना है. तो जिस शहर में हम रहते हैं, इस शहर के जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमारी फैमिलीज हैं, अभी तो हम उनको, उनका ख्याल करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे. उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे हम जो है ना दूसरे शहरों को, सिंध को, सिंध के बाद इंशाल्लाह पंजाब, पंजाब के बाद सरहद ज़रूर उसका इरादा करने का. चलें, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और आप हेल्प पाकिस्तान से हैं, तो आपके जो लिंक है वो ऑडियंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो देख सकते हैं ये हेल्प पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है. और आप हमारे लिए भी हेल्प करें, आप हमारे और हमारे सब्सक्राइबर्स को बोल देंगे वो सब्सक्राइब करें. जरूर जी, नवीद एक मिशन पे, उधर इरफान में उधर बोल रहे हैं. अच्छा भाई, उधर बोल देते हैं. नवीद एक मिशन पे हैं जिस पे ये उन उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और जो है ना वो अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, शायद जिनके पास बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट नहीं होता है, जिनके पास एडवर्टीजमेंट बजट नहीं होता और वो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर पाते. तो बिल्कुल इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस को जो है वो अनसेंसर्ड कर रहा है चीज़ें जनाब, इनकी वीडियोस को और इनके कंटेंट को शेयर करें. डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच. बहुत ज़्यादा हो गया ये. सही कह, अब तुम्हें को आपको खाना खिलाना पड़ेगा. चलो.